आप कहाँ के रहने वाले हैं? बस बगल घंटे के बगल के। तो का रास्ता हमारे गाजीपुर में सोचा तो नहीं था तो किसका किसको श्रेय ये देना चाहेंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का श्रेय है और किसका है उन्हीं का श्रेय है ना तो कितने सोचे थे गांव में ऐसा भी सड़क कभी नहीं सोचे थे सर की ये हमारे बगल से एक्सप्रेस जाएगा कभी नहीं सोचे थे ना हमारे बाप दादा सोचे थे मगर आज हम लोग देख रहे हैं किसको श्रेय देना चाहिए ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दे रहे हैं मगर सबसे ज्यादा श्रेय माननीय अखिलेश यादव को दे रहे हैं हैदरा से लेकर लखनऊ तक जाने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारे पीछे है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे विधिवत लेकिन हम इस समय मौजूद हैं गाजीपुर के हैदरा में और ये सड़क ब्लॉक कर दी गई है आम लोगों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं लोग मौजूद हैं जाने की उत्सुकता है लेकिन तमाम लोगों को यहाँ पर रोका गया है यूपीडा के जो कर्मचारी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं आप देख सकते हैं बाकायदे वो क्वेश्चन में और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर रोड ब्लॉक कर दिया गया है उधर की तस्वीरें दिखाएं पीछे की तो आप देख सकते हैं आगे टोल बंद है का एक बोर्ड लगा हुआ है और तमाम वहां पर बोल्डर लगाए गए हैं ये बोल्डर क्यों लगाए गए हैं इसकी जानकारी कोई नहीं दे रहा है लेकिन मानना ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कल रैली है गाजीपुर में और इसी रास्ते वो आजमगढ़ जाना चाह रहे थे ऐसे में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर यहां पर प्रशासन द्वारा एहतियात बरतते हुए इसको बंद कर दिया गया है आम लोगों से बात करेंगे जो आज़मगढ़ जाना चाह रहे थे कुछ लोग यहाँ से होकर आज़मगढ़ जाना चाह रहे थे उनसे भी पीछे देखें यहाँ पर वो बोर्ड लगा हुआ है ऊपर बड़े बड़े आपको दिख जाएंगे जे सी मशीन क्या नाम है आपका मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है कहाँ से आ रहे हैं हम रहने वाले मोहम्मदाबाद के हैं आ रहे हैं काशिम से हमको जाना था आजमगढ़ लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि अखिलेश की यादव की रैली की वजह से ये रोड ब्लॉक कर दिया गया है अब हम यहाँ आकर परेशान हैं अब उनको वापस फिर मऊ करके जाना पड़ेगा अच्छा किस तरह से देखते हैं ये रोड बन जाने से क्या कुछ लाभ होगा बन जाने से फायदा तो बहुत हो हो, हो हो रहा है लेकिन इस वक्त जो हम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है इससे बहुत दुखी है हम दुखी हैं है। और लोगों से बात करते हैं क्या नाम है उनका जहाँ तक बंद होने की बात है इससे अच्छी परियोजनाओं के सौगात है तो थोड़ा मोड़ा समस्या झेलना पड़ता है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी अधिकृत रूप से आज इस सड़क के उद्घाटन होना बाकी है तो इसलिए ये दोषारोपण करना एकदम सदैव अनुचित होगा कि यह सड़क रोक दी गई मुझे परेशान किया गया लेकिन ये बताइए कि इससे पहले ये सड़क चल रही थी अचानक से फिर आज ये बोल्डर लगा देना कहाँ तक न्याय संगत है? एकदम बिल्कुल न्याय संगत है हाई सिक्योरिटी मामला है अगर मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी आज उद्घाटन कर रहे हैं तो ऐसे में अगर जैसा कि हमने देखा है प्रमुख सचिव और गाजीपुर के एसपी महोदय का भी कि उन्होंने सीधे कहा है कि ये अखिलेश जी अपना कार्यक्रम कल भी कर सकते हैं लेकिन अगर जिद्द है तो ये एक जिद्द को हटाने के लिए है कि मामला शांतिपूर्ण तरीके से इस बहुदेशी सड़क का उद्घाटन हो सके चलिए लोगों का अपना अपना मानना है इनसे भी बात करते हैं भाई साहब यहाँ आपको कहाँ जाना था फिर गाड़ी मोड़ हमको तो मऊ जाना है मऊ जाना है देखने आए थे क्या जी जी देखे चल अच्छा ये बताइए की जैसे ये सड़क बन गई अब आप कहाँ के रहने वाले हैं बस बगल के बगल के तो आपको कितना लाभ होगा इस सड़क बहुत लाभ है लखनऊ जाने के लिए तीन घंटे का रास्ता है कभी सोचे थे आप कभी ऐसा सोचा था कि ऐसी भी सड़क हो जाएगी हमारे गाजीपुर में नहीं नहीं सोचा है? तो नहीं था कभी नहीं सोचा नहीं, नहीं, सोचा, था। सोचा तो नहीं था तो किसका किसको श्रेय ये देना चाहेंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का श्रेय है और किसका है उन्हीं का श्रेय है ना तो कितना लोगों को यहाँ से गाजीपुर आजमगढ़ बलिया कितने लोगों को यहाँ से सहूलियत होगी अब देखिए तो अलग बात है लेकिन बहुत सहूलियत तो बहुत है कितने लोग जाएंगे तो अलग चीज़ है कितने साधन यहाँ पर उपलब्ध होंगे जाने के लिए वो अलग चीज़ है लेकिन सात तीन घंटे में चले जाएंगे जहाँ छः से आठ घंटा नौ घंटा लगता था तीन घंटे में पूरा जाना तो बहुत है बहुत आराम होगा बहुत आराम होगा कुछ लोग और हैं उनसे भी बात करते हैं यहाँ पर कि उनका क्या कहना है किस तरह से वो आ, क्या नाम है भाई साहब आप पंकज फरवार पंकज जी आप यहीं के रहना जी सर कितना मज़ा आएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर चलने पर घूमने में बहुत मज़ा आता है बहुत ना गए हैं कभी इस प्रे? हाँ इस पे हम लोग टहलते हैं सुबह शाम दोनों टाइम टहल रहे थे मगर आप रोक दी गए हाँ, हाँ तो देखिए ये बताइए कि लोगों को कितनी सहूलियत होगी इससे बेहतरीन सहूलियत होगी सर्विस रोड चालू हो जाएगा तो हम लोग गांव से नजदीक हो जाएंगे एकदम पास में हो जाएंगे नजदीक है कभी सोचे थे गाँव में ऐसा भी सर कभी नहीं, नहीं सोचे थे सर कि ये हमारे बगल से एक्सप्रेस जाएगा कभी नहीं सोचे थे ना हमारे बाप दादा सोचे थे मगर आज हम लोग देख रहे हैं किसको श्रेय देना चाहिए ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दे रहे हैं मगर सबसे ज्यादा श्रेय माननीय अखिलेश यादव को दे रहे हैं नहीं। क्यों? नहीं। ऐसा क्यों क्योंकि इन्होंने वो परियोजना जो है आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी परियोजना थी नाम बदल के पूर्वांचल हुआ कोई दिक्कत नहीं है उनके कार्यकाल का ये काम है मतलब चलेंगे सबको लेकिन श्रेय हाँ। आप देख रहे हैं अखिलेश यादव को देंगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहे क्यों नहीं ये ये परियोजना उनकी है फिटा तो ये काट रहे है ना काम तो उनका है चलिए तमाम लोग हैं तमाम लोगों की बात है और तमाम लोगों का अपना अपना कथन है लेकिन अभी फिलहाल ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बंद किया गया है कल आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे तो उसके बाद ये आम जन के लिए ये चालू होगी सफर जरूर करिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से मऊ से आप आ सकते हैं गाजीपुर से आ सकते हैं बलिया से आ सकते हैं पूर्वांचल के इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से प्रदेश की राजधानी तक का सफर तय करिए अपने कमेंट जरूर दीजिए इस वीडियो पे आपकी क्या राय है बने रहिए तमाम खबरों के लिए सबसे तेज न्यूज के साथ धन्यवाद